हनुमान गोसाल के फेर को जनक राज जैसे ये बात कही विश्वामित्र बोले सुनो लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में भूल जाते हो और विश्वास से खुश भी नहीं है। लक्ष्मण बोले माफ करना गुरुदेव जो भूल गया बहादुर मर सकता है मगर ऐसे वचन कभी नहीं सुन सकता। राम को इशारा दिया है बेटा राम तुम जाओ धनुष को तोड़ो जनक के संताप को दूर करो। अब चले राम लगत कार्तिक परिमा वाले दिन धनुष तोड़ने को 14.5 साल की उम्र में तो बहादुर लोग खूब ताली मार के ऐसे अब चली चलिया पाल उठाने जाओ तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना भी विचार कर रही है विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा भला राम के कोमल हाथों से कैसे टूट जाएगा। और सीता ने राम को देखा फिर धनुष को देखा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई हे भगवान शंकर ये धनुष आपका है ये धनुष इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा कहीं शंकर जी ने तेरे सुने न सुने कहीं भाग के नजारे न पड़े हो अब धनुष से दोनों हाथ जोड़े आप थोड़े से हल्के हो जाइए चले प्रभु श्री राम पहुंच गए एक ही हाथ से धनुष उठा लिया धनुष उठा के तो सबने देखा जब धनुष उठाया तो किसी ने नहीं देख पाया तो देखा जब टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया आवा अब वो धनुष जमीन पे गिर गया और जैसे धनुष जमीन पे गिरा जनकपुर की ललकियां सीता से बोली सहेली से कहा अब धनुष टूट ही गया है जय माला डालो और सीता जी जय माला डालने को चली है लेकिन जय माला डाल ही नहीं पा रही है गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही चक चक गिर जाती है। क्यों उम्र में ज्यादा अंतर था जब राम ने धनुष तोड़ा था तो राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की उम्र में ज्यादा अंतर था तो जब नहीं पहुंच पाई तो लड़कियां राम से बोली राम एक हमारा काम करोगी क्या तुम तो बोली कि झुकी गई मन कर भूमि राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है फिर लाभ भी चल रहे हमारा क्या जाना राम झुकने को तैयार है। लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू है भैया झुक रहे हो अपराध जिंदगी में जुटे ही रहोगे जुटना लाए राम नहीं जुटे सर
Thank you.